बहुत अद्भुत है, मगर मेरी जो पहली शिकायत है आपसे वो ये है कि इसमें जो पहली कविता है उसको आपने दूसरी कविता के पहले क्यों रखा, क्योंकि जो आपकी दूसरी कविता गजले में है वो न्यूड वाली है और जिसमें पाकिजगी का जिक्र है, तो वो कविता नंबर दो पे क्यों है और नंबर एक पे क्यों नहीं है? एक बात तो ये है जहाँ से मैं शिकायत कर रहा हूँ, आप बाद में जवाब दे न दें। दूसरे, आपने स्वयं एक बार कहा कि अगर मैं बहुत विधाओं में काम नहीं कर रहा होता तो शायद बेहतर रहता, और इसका जिक्र गुलजार साहब अपनी फॉरवर्ड में आप उसमें करते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, ये गीत लिखना मैं शुरू कर दे तो वहाँ तक चक्कर है। तो मुझे जो मन में कुतूहल है वो ये है कि आपने जिक्र किया है अपनी शुरुआती बातों में कि पिताजी कवि थे, मगर आपका झुकाव कविता से ज़्यादा शायरी की तरफ था। अब ये दिक्कत ये है कि इस मुल्क में हिंदी और उर्दू का झगड़ा भी है, हिंदी और अंग्रेज़ी का झगड़ा भी है, वो जो मैं आपके साथ कुछ देर बात करूँगा, मगर कहाँ फ़र्क आप करते हैं कविता में, गीत में, शायरी में, और जो दो हिस्से हैं नज़म में और गज़ल में, और गुलजार साहब इसका जिक्र भी करते हैं कि आपकी पहली जो नज़म है कि मैं हूँ वाली, तो मुझे जो प्रॉब्लम है वो दिक्कत है वो ये है कि कविता नंबर दो कविता नंबर एक क्यों नहीं है, और जो नज़म और गज़ल में आप फ़र्क करते हैं तो वो मैं वाला पहले सेक्शन में क्यों नहीं है? मुझे ये कुछ दोहे लगते हैं, कुछ रुबाइयाँ लगती हैं, कुछ कतें लगती हैं। आपके सवाल तो बहुत सारे हैं, मुझे याद दिलाते रहिएगा तो मैं उसके बारे में जवाब देता रहूँगा। जो नंबर एक नंबर दो, आई थिंक उसका ये था कि जो नाम है वही पहली क्यों हो, तो उसका कोई और भी रीज़न नहीं था, सोचिए था कि जो नाम है वो, क्योंकि वो शेर वैसे भी पीछे लिखा हुआ है जो जिसके ऊपर ये नाम है, तो उसमें तो कोई डिज़ाइन नहीं था। पर जो वो नज़्म गज़ल में नहीं है क्योंकि दोनों फॉर्म अलग हैं आपको, तो इसलिए, और गज़ल का क्योंकि मैंने जो अरूज है वो मैंने सीखा, तो मुझे उसका शो ऑफ थोड़ा करना था कि मुझे अरूज आते हैं और मुझे मीटर और बहर आती हैं, तो इसलिए गज़लें पहले की, हालांकि मेरी नज़में जो हैं वो मैंने पहले लिखी थी, ये गज़लों पे मैंने बाद में काम किया। अब वो देखिए इसमें जो जलाला जी फिर याद आती है कि उन्होंने मुफ्त छंद भी लिखा और बहर से बाहर भी लिखा, चकबंदी भी की, आम आदमी के लिए चकबंदी बहुत रास आती है, मीटर भी रास आता है, छंद में प्रबंध होता है, मगर हम आपकी दूसरी कविता की तरफ अगर लौटें तो उसकी कुछ पंक्तियाँ बड़ी मार्मिक है, बहुत लोगों ने शायद न पढ़ी हों। ये बनारस नहीं है, दिल्ली है, उल्टी गंगा यहाँ पे बहती है, गौर से देखो नूड पेंटिंग को कितनी पाकिजगी झलकती है, घर की रोटी खिलाए चूहों को ये सियासत अजीब बिल्ली है। अब मुझे इसमें मज़ा ये आया कि जो बनारस जानते हैं बनारस में भी गंगा उल्टी बहती है, ऊर्ध्वमुखी उत्तर वाहिनी हो जाती है चुनार के किले की चट्टान से टकरा के, और ये जो घर की रोटी खिलाए चूहों को ये सियासत अजीब बिल्ली है, वो बहुत इसके पहले वाला जो सेशन था कि कविता में आप बहुत कुछ ऐसा कह जाती हैं जिस पर सेंसरशिप बहुत आसानी से नहीं लगती है, और आपकी कई कविताएं ऐसी हैं जिनको एक तरह से, अब वो मुझे देखिए याद आता है कि फराज साहब की कविता है तितलियां और आपकी एक कविता है वो जो लड़कियां जो, तो वो कुछ कुछ याद दिलाती है, एक लड़की भीगी भागी सी की, उसमें एक शब्द है झल्ली झल्ली सी, एक है पिघलती सी, मैं आपको कविता पढ़ना ही चाहूँगा, पढ़ें तो शायद बेहतर होगा। भाईजान ऐसा है कि फैज साहब जब पोस्टर भी बनाते थे तो वो पेंटिंग लगता था, तो वो हर तरह की पसंद शायरी के संग है कि कोई चीज़ होती है जो घर को फाट भी हो जाती है और वो स्लोगन भी रहती है, कुछ कविताएं इस तरह की, उनकी तरफ हम कुछ देर में लौटेंगे क्योंकि सेंसरशिप का और सियासत का चर्चा इसके पहले सेशन में हो रहा था। मुझे ये पन्ना नंबर 22 की कविता आपकी बहुत ही